शान सिंह राजपूत एक नाम, एक ऐसा नाम जो कि हिंदुस्तान के हर दिल में बसता है। 21 जनवरी 1986 में जन्म लेने वाला वो लड़का, एक ऐसा लड़का जो कि पटना के छोटे शहर में से उठकर मुंबई जैसी महानगरी में अपनी जगह बनाने निकलता है। इंजीनियरिंग से टेलीफिल्म, टेलीफिल्म से फिल्म और फिल्मों के द्वारा हम सभी के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट सुशांत सिंह मुंबई आए अपनी आंखों में सपने लेकर कुछ कर गुजरने की। उन्होंने अपनी शुरुआत एक छोटे से सीरियल 2008 में किस देश में है मेरा दिल से की थी। उसके बाद उन्हें मौका मिला पवित्र रिश्ता जी टीवी पर फीचर होने का। उस सीरियल के कैरेक्टर मानव सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, हर उस मिडिल क्लास फैमिली का बेटा बन गया जिसे हर माँ सराहती थी। शाम को 8 बजते ही हम सब टीवी के सामने इस तरह बैठ जाते जैसे कि मानव हमारे दिलों में बसता हो, हमारे घर का हिस्सा हो। वो एक राइजिंग स्टार बनने लगे और उन्हें मौका मिला बॉलीवुड में। उनकी फर्स्ट डेब्यूट फिल्म कायपोची में हमने उन्हें बहुत सराहा। उनकी एक्टिंग ही नहीं, उनकी लुक ही नहीं, उनके डांस के भी दीवाने हुए हम। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि सुशांत वॉज अ नेशनल लेवल ओलंपिक विनर इन फिजिक्स। उन्हें एक ऐसी प्रतिभा हासिल थी जिससे वो अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे। वो सुशांत सिंह राजपूत ही हैं जिनकी मूवी केदारनाथ देखने के बाद आज देश का हर युवा एक ही टूर का सपना रखता है, केदारनाथ जाना। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग केदारनाथ मूवी देखने के बाद ही वहाँ जाने की इच्छा अपने दिल में बसाए रखे हैं। ये एक रियलिटी चेक है। सक्सेस के पीछे तो हम सब भागते हैं। सक्सेस के पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन फेलियर की वैल्यू बता गया हमें वो छिछोरा। उनकी इस बढ़ती पॉपुलैरिटी और फेमस होने के डर ने बहुत से लोगों को डरा के रख दिया था। हम सब जानते हैं कॉफ़ी विद करण में सुशांत सिंह को किस तरह बात बात पर ह्यूमिलिएट किया जाता रहा है। इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी सपोर्ट के भी सुशांत ने अपनी जगह टिका के रखी। सक्सेस को छूता गया वो इंसान, लेकिन 14 जून 2020 में उस सरफराज ने हमें धोखा दे दिया। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कुछ ऐसा ही हम सब देख रहे हैं सुशांत सिंह सर के केस में। इस टॉपिक पर बात ज़्यादा ना करें तो ही अच्छा है। हमें हमारे इंडियन लॉ पर भरोसा होना चाहिए। आज उनके एक साल जाने के बाद भी उनका जिक्र जब भी हमारे दिलों में आता है, हमारी आंखों में आंसू भर जाते हैं। उनके जाने के बाद हर वो इंसान ये कहता हुआ पाया गया कि लगता है हम उन्हें पर्सनली जानते थे। आपको भी ऐसा लगता होगा, मुझे भी ऐसा लगता है। और उनका जाना सबके लिए एक पर्सनल लॉस बन गया था। वो जहाँ भी हों अपनी दुनिया में खुश हों, बट जाते जाते उन्होंने जो हमें सिखा गए उस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना है। मिडिल क्लास फैमिली या बिना किसी सपोर्ट के एक इंसान पा सकता है जो भी पाना चाहता है, अपनी मेहनत और अपने ऊपर विश्वास रखकर। इस वीडियो के द्वारा मुझे कोई भी व्यूज़ या चैनल ग्रो होने की उम्मीद नहीं है। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि इसे देखने के बाद कोई भी इंसान अगर 1% भी मोटिवेट होता है तो प्लीज़ आप अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। बंद आंखों से सपने ना देखकर खुली आंखों से सपने देखिए और उसे पूरा करने के लिए कुछ कीजिए। आज सुशांत को गए हुए 1 ईयर कम्प्लीट हुए, बट आज भी दिल नहीं मानता कि वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी फैमिली, उनके फैंस और उनके चाहने वाले उन्हें अपनी अपनी तरीकों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम सब दुआ करते हैं आप जहाँ भी हैं अपनी दुनिया में खुश रहें और हमारे MS धोनी हमारे दिलों में हमेशा रहें, नॉट आउट रहें और हमेशा रहेंगे।